ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। ठीक है, व्हाट इज टोपोलॉजी ये देखे थे हमने, फिर टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी बेसिकली इज व्हाट, टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क, इज द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑल द लिंक्स आर लिंकिंग डिवाइसेस टू वन अनदर। ठीक है, बेसिकली टोपोलॉजी क्या होता है, जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। नेटवर्क आपको किस तरीके से बनाना है, उसका लेआउट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स एक लिंक के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक लिंक बहुत सारी लिंक के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक है, क्या इंडिकेट करता है वो, रिलेशनशिप ऑफ ऑल द लिंक्स एंड लिंकिंग डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था कि भाई लिंक किसको कहते हैं और लिंक्स किसको कहते हैं। ठीक है, सिंगल एक लिंक जो है उसमें बहुत सारे डिवाइसेस, यानी कम से कम दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी लिंक्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो क्या बनता है, टोपोलॉजी बनता है। ठीक है, तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें से हमने यहाँ पर मेश, स्टार बस, रिंग, ट्री और हाइब्रिड टोपोलॉजी है, ये उसका क्लासिफिकेशन का डायग्राम है। ठीक है, इसमें से हमने ये पहला लिंक देखे थे, मेश टोपोलॉजी। ठीक है, मेश टोपोलॉजी में इसकी खासियत क्या थी कि भाई हर एक मशीन जो है वो दूसरे डिवाइस के साथ, हर डिवाइस जो है वो दूसरे डिवाइस के साथ क्या है, डायरेक्टली डेडिकेटेड पाथ के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइस रहेंगे वो दोनों के बीच में एक डेडिकेटेड पाथ रहेगा, तो ट्रैफिक कंजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंस्टॉलेशन आसान होगा, फॉल्ट फाइंडिंग भी आसान होगी। मगर डिसएडवांटेज क्या था इसका कि भाई उतने नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो आपको लगेंगे, जैसा अगर नेटवर्क बहुत बड़ा है, यहाँ पे तो एग्जांपल यहाँ पर 5 मशीन का दिया हुआ है और यहाँ पे 6 मशीन का एग्जांपल दिया हुआ है, मान लो 10 मशीन है तो N-1 आपको पोर्ट्स लगेंगे, जितने भी आपकी मशीन्स रहेगी उसमें से एक माइनस कर दो उसकी क्वांटिटी को, तो उतने आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ठीक है, तो मान लो 10 मशीन है तो आपको N-1 यानी 10-1 9, तो एक डिवाइस में 9 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स रहेंगे, तो ही वो डिवाइस जो है वो नेटवर्क के अंदर सब डिवाइस के साथ कनेक्ट हो पाएगा और मेश टोपोलॉजी क्या है हम बना पाएंगे, जो प्रैक्टिकली क्या है बहुत ही डिफिकल्ट है। डिवाइस के अंदर इतने सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स ही लगा देंगे तो डिवाइस का एक्चुअल मैकेनिज्म कहाँ जाएगा। ठीक है, ये उसका डिसएडवांटेज था कि भाई नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ठीक है, और बहुत सारे केबलिंग होने की वजह से एक्चुअल स्पेस जो है वो बड़े नेटवर्क में एक्चुअल स्पेस जो है वो केबल से कवर हो जाता है। एप्लीकेशन इसका क्या था, मेश टोपोलॉजी का इसका एप्लीकेशन था टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस में, रीजनल ऑफिस जो रहती है वो आपस से एक दूसरे से क्या रहनी चाहिए, कनेक्टेड रहनी चाहिए, हर रीजनल ऑफिस एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए, तो वहाँ पर ये मेश टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइप है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में क्या है, यहाँ पर एक स्विच है। ठीक है, ये जो है एक स्विच है जिसको क्या कहते हैं, हब कहते हैं। ठीक है, हर डिवाइस जो है उस हब के साथ कनेक्टेड है, नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइस है, नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइस रहेंगे वो सब क्या है, इस हब के साथ कनेक्टेड रहेंगे। मान लो ये मशीन के ऊपर कोई भी डेटा सेंड करना है या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है। ठीक है, तो पहले वाले मेश टोपोलॉजी में क्या था कि डायरेक्टली एक डेडिकेटेड लिंक जो है वो दोनों के बीच में कनेक्ट रहती थी, जिसके ऊपर ये दोनों आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर सकते थे, मगर ये वाले केस में ऐसा नहीं है। स्टार टोपोलॉजी में कॉमन पॉइंट के ऊपर सब कनेक्टेड है, तो यहाँ से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन इसको सेंड करना है तो वो पहले कहाँ पे जाएगी, यहाँ से हब के पास जाएगी, फिर हब से वो रूट होके ये टर्मिनल पे आ जाने के बाद फिर ये डिवाइस के पास आएगा। ठीक है, चलो इसको वर्ड टू वर्ड देखेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, इन स्टार टोपोलॉजी, इसका नाम क्या है, स्टार टोपोलॉजी है। इन स्टार टोपोलॉजी ईच डिवाइस हैज अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली टू अ सेंट्रल कंट्रोलर। ये वाली टोपोलॉजी में भी हर डिवाइस के पास एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, यानी एक ऐसा नहीं है कि एक कॉमन लाइन है जिसके ऊपर सबको डेटा जो है वो शेयर करना है, उसी कॉमन लाइन को डेटा सेंड करने के लिए, ऐसा नहीं है। ये वाले में भी क्या है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, मगर यहाँ पर डेडिकेटेड मशीन टू मशीन लिंक नहीं है, यहाँ पे क्या है, डेडिकेटेड मशीन टू
एक कॉमन पॉइंट दिया गया है, एक सेंट्रल कंट्रोलर दिया गया है, ठीक है, जिसको हब कहते हैं, उसके साथ लिंक है। ठीक है, मेश के अंदर क्या था, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट मशीन टू मशीन था, मगर यहाँ पर डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक है किसका, ईच डिवाइस इज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक ओनली विथ अ सेंट्रल कंट्रोलर। ये सेंट्रल कंट्रोलर जो है उसके साथ है, उस सेंट्रल कंट्रोलर को क्या कहते हैं, एच यू बी हब कहते हैं उसे। द डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली लिंक टू वन अनदर, डिवाइसेस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अनलाइक अ मैश टोपोलॉजी, अ स्टार टोपोलॉजी डज नॉट अलाउ डायरेक्ट ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस। ठीक है, मैश टोपोलॉजी में क्या था, डायरेक्ट ट्रैफिक दोनों डिवाइस के बीच में एक्सचेंज होता था, यहाँ पे वो चीज़ अलाउड नहीं है। पहले वो ट्रैफिक कहाँ पर जाएगा, सेंट्रल कंट्रोलर के पास जाएगा, फिर वहाँ से रूट होके उस पर्टिकुलर मशीन के पास जाएगा। ठीक है, अब कैसा जाएगा, तो यहाँ पर सब डिवाइस को क्या रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा। ठीक है, आईपी एड्रेस रहेगा, वो आईपी एड्रेस जैसे ही हम यहाँ से डेटा सेंड कर रहे हैं, तो जिसको हमको सेंड करना है, ये मशीन को सेंड करना है, तो इसका आईपी एड्रेस डालेंगे कि भाई ये रिसिप्ट है इसका, यानी ये रिसीवर है, तो ये सेंट्रल कंट्रोलर उस आईपी एड्रेस वाले मशीन के साथ को यहाँ से जो डेटा आया है उसको क्या करेगा, रूट करेगा। समझ में आ रही है बात। द कंट्रोलर एक्ट एज एन एक्सचेंज, कंट्रोलर जो है वो यहाँ पर किसके जैसा काम कर रहा है, एक्सचेंज के जैसा काम कर रहा है। जैसा टेलीफोन एक्सचेंज जो है, हम किसी को कॉल करते हैं तो वो हमारा कॉल क्या करता है, उसको ढूंढ के हमारा कॉल को कनेक्ट करके देता है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर कर रहा है सेंट्रल कंट्रोलर। इफ वन डिवाइस वॉन्ट्स टू सेंड डेटा टू अनदर, इट सेंड द डेटा टू द कंट्रोलर विच देन रिलेज द डेटा टू द अदर कनेक्टेड डिवाइस। अगर कोई भी डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड करना चाहता है, तो पहले वो कहाँ पे भेजेगा, कंट्रोलर के पास भेजेगा, और फिर कंट्रोलर से वो डेटा कहाँ होगा, जो डिवाइस को हम भेजना चाहते थे वहाँ पे वो डेटा फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, एडवांटेज क्या है ये टेक्नोलॉजी का, ये टोपोलॉजी का, अ स्टार टोपोलॉजी इज लेस एक्सपेंसिव देन अ मेश टोपोलॉजी। क्यों, कोई बताएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, हर डिवाइस में एक पोर्ट रहना काफ़ी है, हर डिवाइस में मिनिमम एक पोर्ट होना काफ़ी है। वो पोर्ट के ज़रिए से क्या होगा, वो अपने सेंट्रल कंट्रोलर यानी हब के साथ कनेक्ट हो जाएगा बस। ठीक है, चार डिवाइस है तो तीन पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक ही पोर्ट में काम हो जाएगा। और स्टार टोपोलॉजी इज़ अ लेस एक्सपेंसिव, नंबर ऑफ पोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कम लगेंगे तो उतने केबल भी कम लगेंगे, एक ही केबल से आपका काम हो रहा है तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला एडवांटेज क्या बता रहा है, अ स्टार टोपोलॉजी इज अ लेस एक्सपेंसिव देन अ मेश टोपोलॉजी। इन अ स्टार ईच डिवाइस नीड्स ओनली वन लिंक एंड वन इनपुट आउटपुट। ठीक है, एक ही लिंक लगेगा, मतलब एक ही केबल लगेगा इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, और एक ही पोर्ट की जरूरत रहेगी इनपुट आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए। कनेक्ट इट टू एनी नंबर ऑफ अदर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, दिस फैक्टरी ऑल्सो मेक इट ईजी टू इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको इंस्टॉल करना भी आसान होगा, हर डिवाइस को क्या करना है, सीधा एक केबल लेकर हब के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन आसान हो गया और रिकॉन्फ़िगरेशन भी आसान हो गया। रिकॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर आपको पूरा नेटवर्क निकाल के कहीं वापस से लगाना है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर लगाना है, या एक रूम से निकाल के दूसरे रूम में लगाना है, तो भी ईजिली हो सकता है। फार लेस केबलिंग नीड्स टू बी हाउस्ड। ठीक है, एंड एडिशंस मूव्स एंड डिलीशन इन्वॉल्व्स ओनली वन कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड हब। अगर मान लो आपको कोई एडिशन या डिलीशन करना है, तो एडिशन के लिए सिर्फ आपको वो डिवाइस से लेकर एक केबल ले जाके आपको अपने हब में लगा देना है, हो गया आपका डिवाइस कनेक्टेड। उसी तरीके से मान लो एक डिवाइस आपको कम करना है नेटवर्क में से, तो सिर्फ उसके केबल को हब में से निकाल देना है, तो नेटवर्क में से वो डिवाइस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अदर एडवांटेज इंक्लूड द रोबस्टनेस, इफ़ वन लिंक फेल्स ओनली दैट लिंक इज अफेक्टेड, ऑल अदर लिंक्स रिमेन्स एक्टिव। अगर मान लो ये एग्जाम डायग्राम के अंदर ये वाली लिंक जो, कोई एक लिंक जो है वो फेल हो गई, ठीक है, ये वाली लिंक जो है वो क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, तो सिर्फ ये मशीन का डेटा जो है वो कहीं पर जा नहीं पाएगा, बाकी ये मशीन, ये दोनों मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है। उसी तरीके से ये दोनों, ये मशीन, ये और ये मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी ये लिंक फेल होगी तो सिर्फ इसी मशीन का डेटा जो है वो न जा पाएगा ना आ पाएगा, बाकी बचे हुए तीनों मशीन आपस में एक दूसरे से डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। If one link fails, only that link is affected. All other links remain active. बाकी सब लिंक जो है वो क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी, चालू रहेगी। This factor also
लेंड्स इट सेल्फ टू ईजी फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। उसमें फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन और फॉल्ट को आइसोलेट करना, यानी ज़्यादा फॉल्ट नहीं आए, और फॉल्ट आया तो उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान होगा। एज लॉन्ग एज हब इज़ वर्किंग इट कैन बी यूज टू मॉनिटर लिंक प्रॉब्लम्स एंड बाईपास डिफेक्टिव लिंक। ठीक है, हब जो है वो क्या करता है, लिंक को मॉनिटर करता है कि भाई कौन सी लिंक जो है वो डीएक्टिवेट हो गई है। डिसएडवांटेजेस क्या है, वन बिग डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज द डिपेंडेंसी ऑफ द होल टोपोलॉजी ऑन वन सिंगल पॉइंट। पूरा नेटवर्क जो है वो किसके ऊपर डिपेंड हो जा रहा है, यहाँ पर हब के ऊपर डिपेंड हो जा रहा है। मेश में ऐसा नहीं था, ठीक है, मेश में कोई भी चीज़ किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थी, हर दो पीसी डायरेक्टली जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट है, सेंट्रल कंट्रोलर यूनिट जिसको हम हब कहते हैं, हर डिवाइस उससे कनेक्ट होगी तभी कम्युनिकेट कर पाएगी, अदरवाइज कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो वन बिग डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज दैट डिपेंडेंसी ऑफ द होल टोपोलॉजी, पूरी टोपोलॉजी का डिपेंडेंसी जो है वो किसके ऊपर है, हब के ऊपर डिपेंड है। इफ हब गोज डाउन द होल सिस्टम इज डेड। ठीक है, एक लिंक अगर इसकी बंद होगी तो पूरा सिस्टम बंद नहीं होगा, जैसे यहाँ पर ऊपर बता रहा था एडवांटेज में कि भाई एक लिंक अगर बंद होगी तो पूरा सिस्टम बंद नहीं होगा, मगर हाँ हब अगर आपका बंद हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो आपका पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। ठीक है, मोर केबलिंग देन अदर टोपोलॉजीज। ठीक है, रिंग और बस टोपोलॉजी के कंपेयर में तो ज़्यादा केबलिंग यहाँ पर लगती है। ठीक है, मेश टोपोलॉजी के कंपेयर में कम केबलिंग है, मगर रिंग और बस के कंपेयर में ज़्यादा केबलिंग है। एप्लीकेशन क्या है, द स्टार टोपोलॉजी इज यूज इन द लोकल एरिया नेटवर्क। जो लैब्स के अंदर जो मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं वो मोस्टली स्टार टोपोलॉजी केस में कनेक्ट रहते हैं। एक स्विच रहता है, ठीक है, 16 का स्विच आता है, 8 का स्विच आता है, 32 का आता है, 24 का आता है, यानी उतने नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स उस पर्टिकुलर स्विच में रहते हैं, उस हब में रहते हैं। ठीक है, उसमें आप इतने डिवाइसेस क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपने 8 का हब लगाया तो 8 डिवाइसेस आप क्या कर सकते हो, उसमें कनेक्ट कर सकते हो, या 7 डिवाइसेस आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाई स्पीड लैंस ऑफन यूज अ स्टार टोपोलॉजी विद अ सेंट्रल हब। हाई स्पीड लैन जो है वो हम स्टार टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड है बस टोपोलॉजी। थर्ड टोपोलॉजी जो है वो क्या है, बस टोपोलॉजी। ये बस टोपोलॉजी का डायग्राम है। ठीक है, बस टोपोलॉजी के अंदर क्या है, एक कॉमन केबल है, ठीक है, और हर केबल है उस कॉमन केबल के ऊपर क्या हुआ है, कनेक्टेड हुआ है टैपिंग के जरिए से। ठीक है, टैपिंग यानी बीच में से उसको ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो हर डिवाइस जो है वहाँ से एक ड्रॉप लाइन आ रही है जो एक कॉमन केबल के साथ कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पर हम उसको टैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये डिवाइस है, यहाँ से भी ड्रॉप लाइन आ रही है, वो एक कॉमन केबल के ऊपर कनेक्ट हो रहा है, उसको हम टैप कर रहे हैं। सिमिलरली इसको भी, और दोनों केबल के एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को हमने क्या किया है, टैपिंग किया हुआ है दोनों केबल के। ये सब इलेक्ट्रिकल में हम क्या करते हैं, ग्राउंड करते हैं ना, कोई भी टर्मिनल को ओपन नहीं छोड़ते, क्लोज करके रखते, तो उसी तरीके से दोनों केबल के एंड को केबल एंड किया हुआ है। ठीक है, ये बस टोपोलॉजी है। बस टोपोलॉजी में सबसे कॉमन क्या है, जो केबल जो है वो क्या है, कॉमन है, जो केबल जो है वो क्या है, कॉमन है। इससे पहले वाले में क्या था कि भाई एक डेडिकेटेड केबल रहता था, क्या रहता था, एक डेडिकेटेड केबल रहता था हर डिवाइस के बीच में, या हर डिवाइस से लेकर एक सेंट्रल हब के बीच में, मगर यहाँ पर वैसा नहीं है, डेडिकेटेड केबलिंग नहीं है, कॉमन केबलिंग है जो सबके बीच में क्या होगी, शेयर होगी। बस टोपोलॉजी इसको इसके लिए कहते हैं, इसके बहुत सारे डायग्राम है बस टोपोलॉजी के। जैसे हम बस में चढ़ते हैं तो बीच में पैसेज रहता है, रास्ता आने जाने का, और उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या रहते हैं, सीट्स रहते हैं बैठने के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कॉमन पैसेज है, इसके अपर साइड और लोअर साइड में, यहाँ पे भी आप मशीन कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आप मशीन कनेक्ट कर सकते हो। कोई कोई बुक के अंदर ऐसा डायग्राम दिया रहता है कि भाई दोनों साइड में मशीन रहते हैं, तो ये भी बस टोपोलॉजी का ही डायग्राम है। इसमें मैंने लिया नहीं हूँ, मगर ऐसा भी उसका डायग्राम है। ठीक है, चलो देखते हैं बस टोपोलॉजी में क्या कहता है। बस टोपोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज अ मल्टी पॉइंट। क्या है, बस टोपोलॉजी ऑन द अदर हैंड इज मल्टी पॉइंट है ये। ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट्स है। वन लॉन्ग केबल एक्ट एज अ बैकबोन। एक बड़ा लंबा केबल ले लिया और वो किसके जैसा काम करता है, बैकबोन के जैसा काम करता है, किसको, लिंक को।
वन लॉन्ग केबल एक्ट एज अ बैकबोन टू लिंक ऑल द डिवाइसेस, हर डिवाइस को लिंक करने का, हर डिवाइस को लिंक करने का काम जो है वो एक बड़ा लंबा केबल जो कॉमन रहता है वो बैकबोन कहते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे उस केबल को क्या बोलेंगे हम, बैकबोन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हर डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड है, वो केबल ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो एक्चुअल नेटवर्क का वो क्या बन गया, बैकबोन बन गया। ठीक है, वन लॉन्ग केबल एक्ट एज अ बैकबोन टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द नेटवर्क। नोड्स आर कनेक्टेड टू द बस केबल बाय ड्रॉप लाइन। ठीक है, नोड्स जो है ये, नोड्स आर कनेक्टेड टू द बस केबल, ये जो सेंट्रल वाला जो कॉमन केबल जो है जिसको बैकबोन कहते हैं उसको बस केबल भी कहते हैं। ठीक है, बस केबल बाय ड्रॉप लाइन एंड टैप्स, ड्रॉप लाइन और टैप्स के जरिए से ए मशीन, ये कंप्यूटर कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, उसको क्या बोलते हैं हम, नोड्स कहते हैं। ठीक है, हर नोड जो है वो क्या है, ड्रॉप लाइन और टैप के जरिए से उसके साथ कनेक्टेड है। अ टैप इज अ कनेक्टर दैट आइदर स्प्लाइसेस इनटू द मेन केबल और पंचेस द शेथिंग ऑफ केबल टू क्रिएट अ कनेक्ट विद अ मेटालिक कोर। ठीक है, टैप जो है ये TAP टैप ही बेसिकली क्या है, एक तरीके का कनेक्टर है, या तो वो स्प्लाइसिस होगा मेन केबल को पंचर करके, यानी ये जो मेन हमारा कॉमन केबल है उसको पंचर करके यानी कट करके यहाँ पर कनेक्टर लगा के इसको हम लाइन के साथ कनेक्ट करें, या तो केबल टू क्रिएट अ कॉन्टेक्ट विद मेटेलिक कोर, यानी ये जो मेन केबल का जो अंदर का जो कोर रहेगा उसको टैप लगा के हम हमारी मेन मशीन जो है ड्रॉप लाइन से जो आई है उसके साथ उसको कनेक्ट करेंगे। एज अ सिग्नल ट्रेवल्स लॉन्ग, एज अ सिग्नल ट्रेवल्स अलोंग द बैकबोन सम ऑफ इट्स एनर्जी इज ट्रांसफर एज इट ट्रेवल्स फर्दर एंड फर्दर। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे जो डायग्राम बताया गया है उसमें तो तीन ही मशीन है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा तीन ही मशीन हो, ऐसा बहुत लंबा केबल भी हो सकता है और 10, 15, 50 मशीन्स भी आप क्या कर सकते हो उसमें कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिग्नल मान लो ये पहला स्टार्टिंग का जो मशीन है 1 नंबर का, उसको डेटा सेंड करना है 10वें नंबर के मशीन पे, तो 10वें नंबर का मशीन और दूर होगा, तो जितना दूर होगा उतना दूर तक इस केबल के जरिए से, जो हमारा ये बैकबोन बस केबल जो है उसके जरिए से वो सिग्नल को वहां तक जा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो जितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा उतनी उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, वेस्ट होगी। ठीक है, ट्रैवल करेगा तो उसकी एनर्जी जो है वो किसमें वेस्ट होगी, हीट के फॉर्म में वेस्ट होगी। ठीक है, तो सिग्नल क्या हो जाएगा, जितना वो ट्रैवल करेगा उतना सिग्नल वो जो है वो वीक हो जाएगा। फॉर दिस रीजन देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ टैप्स अ बस कैन सपोर्ट एंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दोज टैप्स। ठीक है, तो सिग्नल हमारा लॉन्ग डिस्टेंस होने की वजह से वीक हो जाता है, इसके लिए बस के अंदर क्या है, एक लिमिट है। ठीक है, कि भाई कितने नंबर ऑफ टैप्स लगाना है, कितनी लेंथ होनी चाहिए बस टोपोलॉजी की, या मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मशीन या डिवाइसेस आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो बस टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो अब इसके एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजीज इंक्लूड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत आसान है क्योंकि एक कॉमन वायर बीच में और हर डिवाइस को उसके साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, बैकबोन केबल कैन बी लाइड अलोंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ then connected to the nodes by the drop lines of various lengths. In this way, a bus uses less cabling than mesh or star topology. ठीक है, बैकबोन केबल जो है वो एफिशिएंट पाथ, यानी जो भी हमारा बेस्ट पाथ है जहाँ पर हमको बस टोपोलॉजी इंप्लीमेंट करना है वहाँ पर हम उसको बिछा सकते हैं, ले डाउन कर सकते हैं, यानी केबलिंग केबल को घुमा सकते हैं, और फिर वहाँ पर जहाँ पर हमने हमारा मेन केबल जो रखा है वहाँ से हम हर डिवाइस को क्या करेंगे, टैपिंग के जरिए से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इंस्टॉलेशन जो है वो उसमें बहुत इजी है, ज़्यादा पोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा केबलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ऊपर हमने दो टोपोलॉजी में देखे मेश और स्टार में। डिसएडवांटेज में क्या है, इट इंक्लूड्स डिफिकल्ट कनेक्शन एंड फॉल्ट आइसोलेशन। ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन जो है वो डिफिकल्ट है क्योंकि आपको मेन केबल को क्या करना है, पंचर करना है, फिर उसके मेन केबल के अंदर का जो कोर है मेटालिक कोर उसके साथ आपको टैपिंग करके डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो डिफिकल्ट कनेक्शन है। ठीक है, कभी उसके साथ कनेक्शन नहीं हुआ तो आपका केबल को, आप मेन केबल को आप कितनी बार पंचर करोगे, बार बार पंचर करोगे तो अगेन वहाँ पे भी सिग्नल लॉस होने के चांसेस है या दूसरे इंटरफेरेंस आने के भी चांसेस है। सिग्नल रिफ्लेक्शन एट द टैप्स कैन कॉजेज द डिग्रेडेशन इन क्वालिटी। ठीक है, जितने टैप्स आएंगे सिग्नल की ट्रैवलिंग में उतने
उतना आपका सिग्नल की क्वालिटी जो है वो क्या होगी, डिग्रेड होगी। दिस डिग्रेडेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग द नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ गिवन लेंथ ऑफ केबल। इस डिग्रेडेशन को हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि बाय लिमिटिंग द नंबर यानी टाइप्स की जो क्वांटिटी जो है उसके ऊपर हम लिमिट लगा सकते हैं, प्लस स्पेसिंग ऑफ डिवाइसेस, दो डिवाइस के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अ फॉल्ट और ब्रेक इन द बस केबल स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशन। ठीक है, बस केबल जो है यानी हमारा जो मेन केबल जो है, बैकबोन केबल, ये बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला मेन केबल जो है, अगर वो ब्रेक हो गया तो हमारा पूरा ट्रांसमिशन जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, उसको मेन केबल जो बीच का है उसको बैकबोन भी कहते हैं और बस केबल भी कहते हैं। द डैमेज एरिया रिफ्लेक्ट द सिग्नल बैक इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन क्रिएटिंग द नॉइज इन बोथ द डायरेक्शन। जो एरिया में, अगर मान लो कोई एरिया में वो हमारा केबल जो है वो ब्रेक हो गया है, तो वहां से सिग्नल क्या होगा, आगे तो नहीं जाएगा मगर रिफ्लेक्ट होकर सिग्नल जो है वो रिटर्न जाएगा, और जो सोर्स था जहां से सिग्नल ट्रांसमिट किया गया था, सेंडर जो था, वहां पर वो नॉइस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। एप्लीकेशंस क्या है, बस टोपोलॉजी वाज द वन ऑफ द फर्स्ट टोपोलॉजी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ अर्लियर लोकल एरिया नेटवर्क। बस टोपोलॉजी सबसे पहला टोपोलॉजी था जो लोकल एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज किया गया था। ठीक है, ट्रेडिशनल इथरनेट लाइंस कैन यूज अ बस टोपोलॉजी। ट्रेडिशनल इथरनेट लाइन जो है वहां पर बस टोपोलॉजी यूज होती है। ठीक है, अब ये दो टोपोलॉजी में किसी को कोई डाउट है, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी में?